पहले मिठाई बाद में भाई ए पीछे लगा यार खा कर दे थैंक यू पहले मिठाई खाइए दशहरे के अवसर पे पहले मुंह थैंक यू हैप्पी दशहरा दो मिनट इंटरव्यू तो होते रहेगा पहले मिठाई खा लो तो रानी पहले सबको मिठाई खिलाना चाहती है उसके बाद वो बात करेंगे Ready? Yeah, rolling.
टोल है बनकर मिला है। कैसा रहा आपका पूरा 10 दिन? पूरा 10 दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा एंड मेरे तरफ से सभी को हैप्पी बर्थडे एंड शुभ विजया। वहाँ भी जाने का दिन है, विसर्जन का टाइम है, तो मन भर के आ रहा है कि थोड़ा सा दुख भी है कि माँ की आज विसर्जन हो जाएगी, पर वैसे सेलिब्रेट किया है। और सबसे अच्छी बात है कि जब चलेंगे माँ वैष्णो देवी कहानी माता रानी जो मंडे टू सैटरडे हर रोज से आता है 9:30 बजे आ रहा है, और यहाँ पे मैं महाकाली का माँ दुर्गा और पार्वती का रूप निभा रही हूँ, तो माँ की ही रूप निभा रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सब पहले तो सभी को ये कहना चाहूँगी कि इशिता गांगुली की तरफ से हैप्पी दशहरा एंड शुभो विजया। माँ की विसर्जन का दिन है और वो कहते हैं बंगाली में आश्चर्य बछर आबार हबे, मतलब अगले साल माँ फिर से आए, फिर से ऐसे खुशियाँ लेके आए। मन तो थोड़ा सा दुख है, मतलब मम्मी मतलब माँ दुर्गा जा रही हैं, जैसे मेरे मुँह से मम्मी निकल गया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हूँ माँ दुर्गा से, तो वैसा ही है। और मैंने सिंदूर खेला पूजा किया, उनकी आरती की, उनकी आराधना की, और जो शो आ रहा है जग जननी माँ वैष्णो देवी कहानी माता रानी की, वहाँ पे मैं माँ काली का किरदार निभा रही हूँ जो मंडे टू सैटरडे हर रोज़ स्टार भारत पे आ रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है आपकी तरफ से, देखा जाए तो इन बिटवीन में आया है और वो बोलते हैं ना माँ, वो जो होते हैं ना अपना टाइमिंग, अपना दिव्य मुहूर्त चुन के आए हैं, और आते ही सबको इतना अच्छा लगा मेरे किरदार को, महाकाली को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। थैंक्स टू रश्मि शर्मा जी एंड थैंक्स टू स्टार भारत एंड उत्कर्ष जी जो हमारे लेखक हैं एंड एंटायर टीम, बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि सिंदूर खेला इज़ वेरी लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बचपन में मैं बच्ची थी, मुझे डस्ट एलर्जी था, तो मम्मी मुझे हमेशा दूर लेके जाती थी, मत करो, तो मैं चुपके ना जो सिंदूर का जो थाल रखा होता माँ के सामने वहाँ पे जाके मुँह ऐसे डाल देती थी ताकि मेरा मुँह भी लाल हो जाए, मुझे भी सिंदूर लगाओ। सो ऐसे बहुत सारी बदमाशियाँ करती थी एंड पूजा पंडाल में आके सबके साथ अड्डा करना, भोग खाना, मस्ती करना, प्रसाद लेना, तो ये सारी मेमोरीज तो है ही, और दैट्स व्हाट। एंड यहाँ इस साल भी मैंने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया है। बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि 5 साल से मुझे जाने का मौका नहीं मिल रहा है, टच उड माता रानी के आशीर्वाद से बैक टू बैक कोई ना कोई प्रोजेक्ट हो ही रहा है मेरे साथ। बट यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे साथ है और मेरे फैमिली वहाँ पे तो है, बट वो जो एक 7-8 दिन का माहौल है पूरे फैमिली के साथ बैठ के करना, सेलिब्रेट करना, वो मिस करती हूँ। बट कोई नहीं, माता रानी के आशीर्वाद से मैं यहाँ भी बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी पोस्ट करें और हमारे बीच के कुछ स्पॉन्सर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, तो हमें देना होगा स्पॉन्सर्स।